हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अनक एजुकेशन पॉइंट। माय सेल्फ हिना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स के अभी एग्जाम हुआ है बीकॉम का और उनका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का पेपर हुआ था, तो मैंने इससे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और आप लोगों के लिए सिलेबस अपलोड किया था मैंने। मैं ये पहली बार हुआ था, मैं आपको ड्यूरेशन बताना चाहूँगी और साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स भी बताना चाहूँगी कि इसका जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स का था और ये कितने घंटे का पेपर जो है वो लिया गया था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूं कि नेम ऑफ द पेपर है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ये पेपर जो है, एक तो ये पुराने स्टूडेंट्स के साथ मेरा डिस्कशन रहेगा कि किस किस तरीके से मैंने क्या क्या बताया और क्या क्या चीजें सिमिलर थी, क्या क्या टॉपिक्स आए थे वो भी मैं डिस्कस करूंगी, और जो न्यू बच्चे अभी एडमिशन्स लेंगे और जिन लोगों का भी एग्जाम ये वाला नहीं हुआ है तो उन लोगों को अभी एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से पेपर जो है वो आने वाला है। तो देखो, इससे पहले के प्रीवियस पेपर देखने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बस एक हिंट मिल सकती थी और मैक्सिमम मार्क्स तो वैसे ही चेंज हो गए थे क्योंकि कुछ पेपर पहले 75 मार्क्स के होते थे और कुछ पेपर जो है 100 मार्क्स के हुआ करते थे, लेकिन ये जो पेपर है वो 80 मार्क्स का था, ठीक है, और कुछ पेपर जो है 90 मार्क्स के आए थे, ठीक है। तो ये वाला पेपर 80 मार्क्स का था जिसको करने के लिए सिर्फ 2 घंटे आप लोगों को मिले थे, जिसके अंदर यहाँ पे मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल नया पैटर्न है जो हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो फॉलो हो रही है UGCF वाली, उसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों का पेपर सेट किया गया था। इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं कैंडिडेट को जो मैं बताना चाहूंगी ताकि जो भी बच्चे अब न्यू एडमिशंस हैं या जिनका अभी पेपर ये होने वाला है इन दिनों, तो उन लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे रोल नंबर की बात की है, यहाँ पे रोल नंबर आप लोगों को बिल्कुल टॉप पे लिखना है क्वेश्चन पेपर के। उसके बाद क्वेश्चन पेपर कंटेन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कैंडिडेट हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन, उसको कम से कम 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और जो क्वेश्चन कैरी करेगा वो 20 मार्क्स ईच होगा, ठीक है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट थे, सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो आप लोगों का था कि आपको कोई एग्जाम्पल देना था कम्युनिकेशन का, ठीक है, रियल और इमेजिनरी वेयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर सिग्निफिकेंट देन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इन क्वेश्चन पेपर को मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन टेलीग्राम पे देखने का पहले कोई फायदा नहीं है जब तक आप इन चीजों को ना समझ लें, और जो मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो वो समझ के ही आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे इस तरीके से दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका पैसेज का था जिसमें आपको एक आंसर देने हैं कुछ क्वेश्चन के। देखो ये रहा पैसेज, ठीक है, पूरा पैसेज दिया गया है। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो आपको ये भी बताया था कि पैसेज आ सकते हैं, हम एग्जैक्ट पैसेज कभी नहीं बता सकते, कोई चैनल नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि पेपर हमने नहीं सेट किया होता, हम बस एक पैटर्न बता सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम ज्यादा तो बुक में से कुछ चैप्टर में से कुछ आया नहीं था, बस पैसेज आया, पेपर बहुत सिंपल था, तो बहुत अच्छी बात है ना, पेपर बहुत सिंपल था तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसके आंसर आप लोगों को इस पैसेज में से ढूंढ के करने थे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें समरी लिखनी है आपको, ठीक है, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज एंड गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल, एक टाइटल देना है और उस पैसेज का एक समरी बना देनी है। समरी बनाना आप जानते ही हैं, अब अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो समरी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 था राइट अ 3 पैराग्राफ ऐसे, आपको 200 वर्ड्स का लिखना था जिसके ऊपर एक हेडिंग दी गई है कि एजुकेशन शुड नॉट बी प्राइवेटाइज, ठीक है, इसके ऊपर 3 पैराग्राफ ऐसे लिखना था। ये भी बहुत इजी था, अगर एजुकेशन के बारे में आप लोग इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे, कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप लोगों का उसमें था, और एक फिर लास्ट में क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि क्या क्या आया था, एक तो हमारे को पैसेज दिया गया, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हमें पैसेज आ गया, पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर देने थे, साथ ही साथ 3rd क्वेश्चन में उसकी समरी बतानी थी, फिर एक पैराग्राफ लिखना था हम लोगों को, ठीक है, जिसमें हमें एक टाइटल दे दिया गया था, और 5th नंबर पर रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो आपको हिंट मिल गया है जिसमें से आपके 5 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन 20 नंबर का था, ठीक है। और 20 नंबर के लिए आपको कितना लिखना चाहिए, ये सब के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बना दूंगी कि किस मार्क्स के लिए कितना कितना लिखना सफिशिएंट रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इसके अंदर देने की कोशिश की है। मैंने जैसे बताया था कि आप लोगों को रिपोर्ट प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है, पैसेज आएगा आप लोगों का, वो चीज़ें इसके अंदर आई भी हैं, ठीक है। 100% हर चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, बस एक अजम्पशन होता है कुछ जो कि आपके पेपर में आ जाता है, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये बेसिक भी पढ़कर अगर गए होंगे तो आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जो 80 मार्क्स का था जिसमें से एक क्वेश्चन 20 नंबर का था, 20 नंबर के लिए कितना लिखना चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, कितने
पेज लिखने चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि न्यू पैटर्न है। जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को एक पेपर अटेम्प्ट करना आ जाए, ताकि आप लोग आसानी से पास हो सके। सो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।